सकता। और डंडील हमने इसीलिए कहा था कि हम जानते हैं कि मिस्टैश के साथ, मतलब मिस्टैश ने डंडील कहा था और उसी को हमने कॉपी किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो करना चाहते थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस एक फाइनेंशियल पड़ाव है जिसका इंतजार हम काफी वक्त से कर रहे हैं। इनफैक्ट जितनी बार भी मिस्टैश हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें लगता है अगले दिन से ही हमें वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने वाली है, लेकिन वो हमारी क्यूरिसिटी है, ठीक है। और वो क्यूरिसिटी इस वजह से है कि हमारे पास अभी एक इंटरनेट के व्यवसाय को किस तरह से किया जाता है और वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और फिर जब नया धारा परिवर्तन, मतलब नया व्यवस्था परिवर्तन जब हो रहा होता है, वहां पर आने वाले चैलेंजेस भी एक्सट्रीमली नए होते हैं जिनका सॉल्यूशन पूरी दुनिया के पास मौजूद नहीं है। और वही सॉल्यूशन जो है मिस्टर ऐश और ऑन पैसिव बैकएंड पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और उन सॉल्यूशंस को किस तरह से अफोर्डेबल बनाया जाए, किस तरह से आम आदमी का इंश्योर किया जाए कि वो इससे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके, और फिर यहाँ से हर तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, सब तरीकों से जो है यहाँ पर वो बेनिफिटेड हो सके। तो वो पड़ाव बिल्कुल नजदीक है, हम तो देख पा रहे हैं, मुझे तो काफी कुछ दिख रहा है, मैं तो काफी कुछ प्लानिंग भी करना शुरू कर दिया हूँ, बहुत पहले से भी थी इनफैक्ट, लेकिन अब उनको अमली जामा जो पहनाना है वो वक्त अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है बहुत क्लोज वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं फिर से कहूंगा कि समय सीमा में किसी भी चीज को आप बांध कर मत चलिएगा, आप झूठे प्रोमिस बैकएंड पे मत करिएगा कि इसी हफ्ते सब कुछ हो जाएगा, इसी महीने सब कुछ हो जाएगा, 18 को हो जाएगा, ऐसा कुछ भी कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये होगा, ये 100% होगा, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू होगा, और उस प्रोसेस को सिर्फ एक शख्स जानते हैं, एंड उनका नाम है मिस्टर ऐश मुफारे। तो मिस्टर ऐश मुफारा जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, वो अतुल्य भारत से हम आप सभी के साथ आसानी से, आसान भाषा में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपने सिर्फ उसको समझना है, बाकी ख्याली पुलाव जो आपके बीच में पका रहे हैं, ठीक है, उन्हें पकाने दीजिए, बैकएंड पे सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, सबका हिसाब यहाँ पे होने वाला है। और उस ख्याली पुलाव में जो लोग अपना तड़का डाल रहे हैं, जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे डाल रहे हैं, दे आर ऑल्सो बींग मॉनिटर्ड, यहाँ पे एक एक एक्टिविटी मॉनिटर्ड हो रही है, ठीक है। इसलिए अगर हम चीजों को यहाँ से सही तरीके से समझेंगे तो आने वाला वक्त जो हम इंजॉय करने वाले हैं ना, जो मतलब खुशियों की बरसात, जो खुशियों की मतलब मूसलाधार बारिश हमारी सबके सभी के ऊपर होने वाली है ना, जिसको फाइनेंशियल सुनामी कहा जा रहा है, ठीक है, हम उसको भी यहाँ से विटनेस करेंगे और उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। बट अगर हम गलत हाथों में रहेंगे, गलत इंफॉर्मेशन गलत तरीके से ले रहे होंगे, तो हमारे अंदर वो धारणाएं घर कर जाएंगी, और जब वो धारणाएं एक बार घर कर गई, तब ऑन पैसिव के विजन मिशन से आप कभी भी अटैच नहीं हो पाएंगे, आप ऑन पैसिव में रहकर भी ऑन पैसिव के नहीं बनकर चल पाएंगे, और अल्टीमेटली आपके पास पैसा जरूर होगा, लेकिन जिस मान सम्मान प्रतिष्ठा और बेसिकली इस महायज्ञ में एक कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर जो हम कर सकते हैं, हम उन सबसे वंचित रह जाने वाले हैं। तो प्रयास हमारा ये है कि आप किसी भी चीज से यहाँ पे वंचित ना रहे। परमपिता परमात्मा ने आपको ये बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके घर तक दी है, और डेफिनेटली उसमें आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म इन्वॉल्व रहे होंगे, आपके परिवारों के अच्छे कर्म इन्वॉल्व रहे होंगे, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म इन्वॉल्व रहे होंगे कि परमपिता परमात्मा ने मतलब इन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को चुना है। तो फील ब्लेस्ड, हमेशा ब्लेस्ड फील कीजिए, ठीक है, भगवान से मांगने से नहीं, बिना बिना मांगे भी भगवान सब कुछ देते हैं, ठीक है। बस अपने कर्म जो है, अपने जो आपको ड्यूटीज मिली हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, उन्हें शिद्दत से निभाते चले जाइए, ठीक है। हर दिन जो है सुख से भरा नहीं हो सकता, उसी तरह हर दिन जो है दुख भरा नहीं होगा। ये दुख के बादल, संकट के बादल, परेशानियों के बादल जो हमारी सभी के जीवन पर मंडराए हुए हैं ना, कितने दिन ये रहेंगे, बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाने वाली है। तो यहाँ पर हम अगले पड़ाव में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय सीमा में जब आप ऑन पैसिव में है, टेक्नोलॉजीज में है, और एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है, एक बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन का आप इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो समय सीमा में आपको बिल्कुल बांध कर मत चलिएगा। होगा, जरूर होगा, और एक दिन होकर रहेगा। अब ये जल्दी हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। हमारा मिशन और विजन डिफरेंट है, हम उस मिशन और विजन पे फोकस कर रहे हैं, और ये किस तरह से होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो हम मिस्टर ऐश मुफारा के ऊपर छोड़ देते हैं। वो खुद आएंगे हमारे साथ, डेफिनेटली वो शेयर करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस का आधार हम है, और हम जितना मजबूत होंगे, हम जितना स्ट्रांग होंगे, उतना स्ट्रांगली जो है ये बिजनेस पूरी दुनिया में अपनी धमक मचाने वाला है। तो अपनी पावर को समझिए, जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर जनरेट मिस्टर ऐश ने कर दी है, आपको मिस्टर ऐश ने उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आप
ना केवल अपने जीवन में बल्कि बहुत सारी लाइफ्स में आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। बहुत सारे जीवन बदलने की क्षमता जो है वो हर तरीके से ये बिजनेस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उन क्षमताओं का सही इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसी का माध्यम अतुल्य भारत है। अतुल्य भारत से भी जुड़िए और मिस्टर ऐश मुफारा को फॉलो कीजिए। उनके सिवा इस धरातल पे कोई भी नहीं है, कोई दूसरा प्राणी नहीं है जो ये जानता है कि ये कब, कैसे और क्यों होगा। ठीक है, क्यों का तो हमारे पास जवाब है, लेकिन कब कैसे होगा इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो बेले संशय आप ना पालें, फालतू की कमिटमेंट बाहर ना करें किसी भी चीज की, बाहर किसी तरह की कोई स्पेकुलेशन ना फैलाएं। ये होना है, निश्चित होना है, और जिस तरह से मिस्टर ऐश और ये प्रोसेस डिसाइड करेगा ये उस तरह से होना है। ठीक है, बट इतना डेफिनेटली आप सभी को समझ लेना चाहिए कि अब हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जो वो हमारी मतलब पड़ाव है वहां पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से धीरे 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 वो रिलीफ ग्रेजुअली हम सभी तक पहुंचने वाला है, और ग्रेजुअली हमारी लाइफ में पहले हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगी, और हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के बाद बाद जब हमारे अपने सपने पूरे हो चुके होंगे, अपने सारे शौक सब कुछ हम पूरे कर चुके होंगे, तो फिर अगला फेस आएगा जिस फेस में हम ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे लोगों के बीच फैला रहे होंगे, आगे बहुत सारे लोगों का जीवन जो है परिवर्तन कर रहे होंगे। तो ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ये बिजनेस दे रही है उसे समझने की आवश्यकता है। बाकी इसके साथ जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं वो होंगे। ओ कनेक्ट को आना था, ओ कनेक्ट आया है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम को बनना था, बना है। इंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स का होना था, वो हुआ है। जो जो मिस्टर ऐश ने कहा है बैकएंड से, उससे ज्यादा ओवर डिलीवर उन्होंने किया है, और आज भी जिस टेक्नोलॉजी को हम एज एक्सटेंशन यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि दिस इज वर्थ $5,000 बेबी। ये $5,000 का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अभी बैठकर ये मीटिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर ऐश अगर चाहते इसको अगर $5,000 में भी सेल करना तो वो बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। जिनको आवश्यकता थी वो लेते इसको, जिनको नहीं थी वो वंचित रहते। लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा कि ये सबको ना मिले, उन्होंने कोशिश की कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकें। इसलिए 3 महीने के पैकेज को भी उन्होंने बेयर मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी चेक करने के लिए कि हम अपने वॉलेट्स को किस तरह से टेस्ट कर पाएं, वो अपॉर्चुनिटी हमें दी। और अब लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, मौका मिला है तो। ये मौका सबको नहीं मिलेगा आने वाले टाइम पे, कोई इसको 14 डेज से ज्यादा इसका ट्रायल भी नहीं कर पाएगा, और 14 डेज के बाद उसको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। अगर ये सारी फीचर्स, ये 45 प्लस फीचर्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, उनको अगर यूटिलाइज करना होगा तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, और यहाँ से कुछ भी नामुमकिन नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। हम सब हर एक खुशियां, हर एक लेवल यहाँ पर अचीव करने वाले हैं, बट ये सब कुछ होगा, ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक रात में नहीं होगा, और उसके लिए एक प्रोसेस निर्धारित है बैकएंड पे, जिसका मॉनिटरिंग मिस्टर ऐश कर रहे हैं, और उनसे सेफेस्ट हैंड इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकते हैं, जहां पर हम अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने आने आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर को मतलब एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच राजेंद्र भटकर सर अगर मौजूद है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मंच पे आए और हमारे सेकंड पार्ट की तरफ इसको ले चलें। इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और